श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, पुलिस के दो जवान शहीद। भीड़भाड़ भरे बागात बरजुला इलाके में आतंकियों ने किया हमला। लश्कर के स्थानीय संगठन टीआरएफ ने ली श्रीनगर में हमले की जिम्मेदारी। श्रीनगर में 3 दिनों के अंदर दूसरी बार हुआ आतंकी हमला। श्रीनगर में आतंकी हमले की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। कपड़े में AK-47 राइफल छिपाकर पहुंचा आतंकी, पुलिस टीम को देखते ही की फायरिंग। टीआरएफ के मुताबिक पुलिस पर फायरिंग करने वाला आतंकी बागात बरजुला इलाके का ही रहने वाला है। फायरिंग के बाद आतंकी भागने में कामयाब। सर्च ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आज सुबह ही शोपियान में हुआ था एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर जोन के आईजी के मुताबिक मारे गए आतंकी अलबद्र से जुड़े थे। 2 AK-47 राइफल और 1 पिस्टल बरामद। कश्मीर के बड़गाम में जम्मू कश्मीर पुलिस का SPO शहीद, दूसरा SPO घायल। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। श्रीनगर में शहीद SPO अल्ताफ अहमद को दी गई श्रद्धांजलि। बड़गाम मुठभेड़ में हुए थे शहीद। भारत और चीन के बीच कल होगी 10वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की बैठक। मोलदो में सुबह 10 बजे से होगी बैठक। पेंगोंग लेक से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की होगी समीक्षा। गलवान की खूनी झड़प में चीन का बड़ा कबूलनामा, अपने 5 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। झड़प में इससे ज्यादा मरे थे चीनी जवान। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने काराकोरम पर्वत पर तैनात 5 चीनी सैनिकों के बलिदान को किया याद। 5 सैनिकों को सम्मानित करने का फैसला। मारे गए चीनी सैनिकों में PLA के जिनजियांग मिलिट्री कमांड का रेजिमेंटल कमांडर भी शामिल। चीनी सैनिकों से झड़प में भारत के 20 जवान हुए थे शहीद। राजस्थान में हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर से छोड़ी गई 4 एंटी टैंक हेलिना मिसाइल, परीक्षण पूरी तरह कामयाब। एफओ चीफ RKS भदौरिया ने नोएडा में शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि का आदेश की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनकी निष्ठा से मिलती प्रेरणा। स्वामी रामदेव ने लॉन्च की कोरोना के खिलाफ नई दवा कोरोनिल, कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हर्षवर्धन भी मौजूद। स्वामी रामदेव का कोरोनिल पर सवाल खड़े करने वालों को जवाब, पतंजलि के कोरोनिल टेबलेट से होगा कोविड का इलाज। इंडिया टीवी पर बोले स्वामी रामदेव, COPP WHO और GMP के मानकों पर तैयार हुई है दवा, अब हम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। स्वामी रामदेव का दावा, अकेले कोरोना के ऊपर 25 रिसर्च पेपर, सारे सर्टिफिकेशन के साथ हमारे पास 250 से अधिक रिसर्च पेपर। स्वामी रामदेव बोले कोरोनिल के जरिए लाखों लोगों को जीवनदान देने का काम किया, कई लोगों ने उठाए सवाल। स्वामी रामदेव ने कहा रिसर्च को लेकर कुछ लोगों के मन में हो रहती है शंका, सिर्फ विदेशों में हो सकता है आयुर्वेद का रिसर्च, पतंजलि ने सारे शक दूर किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा रामदेव ने बहुत बड़े आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, पतंजलि के अनुसंधान का देश को होगा फायदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा कोरोना काल में दुनिया के दूसरे देशों ने आयुर्वेद को स्वीकारा, कोविड के बाद आयुर्वेद की इकोनॉमी वृद्धि दर 50 से 90% तक बढ़ी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा भारत में आयुर्वेद की 30,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था, निर्यात और FDI में सुधार हुआ। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हो सकती है PM मोदी की रैली, BJP रैली की तैयारियों में जुटी। पश्चिम बंगाल के हुगली में PM मोदी के दौरे से पहले लगे BJP विरोधी पोस्टर, BJP को वोट नहीं देने के लिए कहा। 22 फरवरी को PM मोदी करने वाले हैं सभा। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की, बंगाल की महान हस्तियों को दी श्रद्धांजलि। 3 साइकिल यात्राओं को किया रवाना। अमित शाह ने किया सुभाष चंद्र बोस को याद, बोले इतिहास याद रखने वाले ही भविष्य बनाते हैं, नेताजी की संघर्ष गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमित शाह ने कहा हम लोगों के भाग्य में देश के लिए मरना नहीं है, लेकिन देश के लिए हम जीना ईश्वर ने हम पर छोड़ा। PM मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों को दिया मंत्र, संयम और संवेदनशील होने की दी सलाह, कहा सत्ता की तरह ज्ञान के साथ आती है जिम्मेदारी। PM मोदी ने कहा आतंक फैलाने वालों में भी हाईली स्किल्ड लोग शामिल, आपको तय करना है समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का। PM मोदी ने वर्चुअली विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, युवाओं को फैसले लेने से नहीं डरने की दी सलाह, सफलता असफलता हमारा भविष्य तय नहीं करती, कहा। PM मोदी ने नई शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बताया, बोले देश की आत्मनिर्भरता बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं। PM मोदी आज केरल को फिर देंगे बड़ी सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, राष्ट्र को सौंपेंगे कासरगोड सोलर पावर प्रोजेक्ट। PM मोदी ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी हैकाथॉन को किया संबोधित, कहा कोरोना के बाद की दुनिया में भारत ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप का अहम रोल। PM मोदी ने सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाए जाने पर दिया जोर, कहा कई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। उन्नाव में संदिग्ध हालात में मरी दोनों लड़कियों का भारी पुलिस सुरक्षा में किया गया अंतिम संस्कार, खेतों में दोनों को दफनाया गया। फॉरेंसिक टीम ने उन्नाव के खेतों में जाकर की जांच, 8 सदस्यीय टीम कर रही है रिक्रिएशन, केस सुलझाने के लिए डॉग स्क्वाड की ली जा रही है मदद। लखनऊ रेंज के IG के मुताबिक सही दिशा में जा रहा है उन्नाव केस की जांच। CM योगी ने घायल बच्ची के इलाज के लिए KGMU से एक्सपर्ट्स को कानपुर भेजा। उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत के बाद पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस,
पुलिस ने सबूत मिटाने की धाराएं भी लगाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियों के शरीर पर चोट के निशान नहीं। पुलिस ने कहा हाथ बांधे जाने के कोई सबूत नहीं। जहर देने की वजह से तीसरी लड़की का कानपुर में चल रहा इलाज। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए बनाई है 6 टीमें। उन्नाव कांड पर अखिलेश ने यूपी पुलिस को घेरा, पूछा उन्नाव हादसे का जिम्मेदार कौन। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में पुलिस राज का लगाया आरोप, कहा पुलिस जो कह रही है सरकार वही मान रही है। यूपी में सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर और हिरासत में हुई है मौत। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी हिंसा के और आरोपियों की तस्वीरें जारी की। आरोपियों की पहचान किया जाना जारी, तकनीक की ली जा रही है मदद। दिल्ली में 26 जनवरी हिंसा मामले में अब तक 152 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कमिश्नर, कहा कुछ किसान नेता जांच में नहीं होना चाहते शामिल, अब किसान नेताओं को करना है फैसला। उत्तराखंड के तपोवन टनल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 62 शव और शरीर के 28 अवशेष बरामद। कोल स्कैम घोटाले में मामले में पश्चिम बंगाल में जयदेव मंडल के 13 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता पुरुलिया सहित 4 जिलों में रेड। दिल्ली के चांदनी चौक में हटाए गए 50 साल पुराने मंदिर को फिर बनाया गया। स्थानीय लोगों ने रात में मंदिर तैयार किया। लोहे और स्टील के रॉड का बना है मंदिर का स्ट्रक्चर। कल रात ट्रक से लाया गया था पुरानी प्रतिमा को किया गया स्थापित। प्रशासन को मंदिर बनने की नहीं लग पाई भनक। अभिनेत्री कंगना रनौत ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बोली आध्यात्मिक कारण से यहां आई, चार धाम में से एक धाम है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पहुंचे पुणे के शिवनेरी फोर्ट, छत्रपति महाराज को दी श्रद्धांजलि। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दी श्रद्धांजलि, नेताओं ने भी किया नमन। गुजरात के पाटन में एक मुस्लिम परिवार ने पेश की मिसाल, राम मंदिर निर्माण के लिए 1,51,000 रुपए का दिया दान, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का दिया संदेश। गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार, राहुल गांधी ने लिया कंधा। अमेठी में से सांसद रह चुके थे शर्मा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन महंगाई पर विपक्ष का अनोखा विरोध, कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर पहुंचे विधानसभा। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हाजीपुर से साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा, सरकार से तेल के दाम कम करने की मांग की। दिल्ली में 90 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, डीजल 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। पीएफआई के स्थापना दिवस पर बेंगलुरु में महासचिव अनीस अहमद का भड़काऊ बयान, कहा आरएसएस वायरस है और पीएफआई उसके लिए वैक्सीन बनाएगी। पीएफआई के नेता ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों के खिलाफ देश में साजिश रची जा रही है, पीएफआई साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में स्थापना दिवस पर पीएफआई ने बाइक रैली निकालकर दिखाई ताकत, तीन चौक पर फहराया झंडा। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल अग्निकांड में 2 नर्सों पर केस दर्ज, राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दी जानकारी। हादसे में 10 बच्चों की हुई थी मौत। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भंडारा मामले की जांच पर उठाए सवाल, घटना के जिम्मेदार बड़े लोगों को बचाने का लगाया आरोप, कहा सरकार जांच के नाम पर मजाक न करे। मुंबई के जूहू चौपाटी पर बिना मास्क लगाए लोगों को पकड़ने के दौरान मारपीट, बीएमसी की तरफ से तैनात मार्शल पर जुर्माने के नाम पर परेशान करने का आरोप, मैंने कार्रवाई का दिया भरोसा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 9 बैंकों से ठगी करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया, बिना ओटीपी के अकाउंट से पैसे निकालने का आरोप, सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए आरोपी। मुंबई में सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू, ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए सबूत इकट्ठे किए, 300 गाड़ियों को किया जब्त। मुंबई में ऑटो रिक्शा वालों ने पेश की मिसाल, 10 लाख के सोने और कैश से भरा बैग मिला, ऑटो वाले ने ट्रैफिक पुलिस को लौटाया। पंजाब के फरीदकोट में कांग्रेस नेता गुरपाल सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ मारी गोली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पर ली हत्या की जिम्मेदारी, सीएम अमरिंदर बोले नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बिहार के दरभंगा में पॉलिटेक्निक छात्रों का हंगामा, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान स्थानीय लोगों पर किया हमला, छात्रों ने कई घरों और गुजर रही गाड़ियों पर भी किया हमला, पुलिस वालों के साथ की बदसलूकी। मुंबई एयरपोर्ट से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, एक विदेशी महिला गिरफ्तार, जब्त हेरोइन की कीमत 9 करोड़ रुपए। मध्यप्रदेश के मंडला में तेज रफ्तार बस पलटी, हादसे में 1 शख्स की मौत, 12 लोग जख्मी। मोहाली में कार की टक्कर से कार के ऊपर गिरा साइकिल सवार, 10 किलोमीटर तक बॉडी को लेकर घूमता रहा ड्राइवर, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 10 में एक निजी कंपनी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। ठाणे के मानपाड़ा में गोडाउन में लगी आग, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के नासिक में बदला मौसम, तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। महाराष्ट्र के वलसाड़ में तार में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। मुंबई में 12 साल की लड़की जिया राय ने बनाया रिकॉर्ड, बांद्रा वर्ली सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में तय की। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार, अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना के केस, एक दिन में 13,193 नए मामले, 97 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 5,427 नए मरीज मिले, 38 ने गंवाई जान। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 2 दिनों में राज्यों के 3 मंत्री हुए कोरोना से संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने के बाद अमरावती में सप्ताहांत का लॉकडाउन शुरू
रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। महाराष्ट्र के यवतमाल में 10 दिन के लिए स्कूल बंद, शादियों में केवल 50 लोगों के भाग लेने की इजाजत। अहमदाबाद में लोकल चुनाव प्रचार के दौरान एसओपी के उल्लंघन, बीजेपी सहित सभी पार्टियों की रैलियों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नासा की मिली ऐतिहासिक कामयाबी, मंगल की सतह पर उतरा नासा का रोवर, मंगल पर जीवन की तलाश करेगा नासा का रोवर। कल आधी रात को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया रोवर, कैलिफोर्निया स्थित लेबोरेटरी में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोग खुशी से उछले। मंगल ग्रह पर पहुंचते ही मार्स रोवर ने मंगल की तस्वीरें भेजी, तस्वीर में मंगल की सतह आ रही है नजर। म्यांमार में सेना विरोधी प्रदर्शन जारी, मांडले में बौद्ध भिक्षुओं के अलावा टीचर्स और इंजीनियर्स ने निकाली रैली। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया नया इमिग्रेशन बिल, ग्रीन कार्ड के लिए देशों को कोटा खत्म करने का प्रावधान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को होगा फायदा। अमेरिका के टेक्सास में भीषण ठंड के बीच एक अपार्टमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में हो रही है दिक्कत, ठंड के कारण जम चुका है पानी। अमेरिका के पोर्टलैंड और टेक्सास में बर्फीले तूफान से मुसीबत, अभी भी लाखों घरों की बत्ती गुल। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बवंडर ने मचाई तबाही, 3 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। मलाला ने इमरान खान और सेना के सामने मौत की धमकी पर उठाया सवाल, पूछा हिरासत से कैसे भागा धमकी देने वाला आतंकी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का खुलासा, कहा 2014 के इंग्लैंड दौरे में किया डिप्रेशन का सामना, दुनिया में सबसे अकेला महसूस करते थे। कर्नाटक के नेट बॉलर कृष्णप्पा गौतम ने आईपीएल में बनाया रिकॉर्ड, सीएसके ने आईपीएल में 9 करोड़ 25 लाख में खरीदा। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर, मुंबई ने अर्जुन को 20 लाख में खरीदा।